राजस्थान में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के 31 जिलों में अब कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए हैं। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 3,636 हो गई है। प्रदेश में आज भी 57 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। आपको बता दें कि उदयपुर में 20, जयपुर में 15, अजमेर में 11, पाली में 3 और इसी के साथ चूरू और राजसमंद में 2-2 कोरोना पॉजिटिव मामले। कोटा, बाड़मेर, जालौर और दौसा में 1-1 कोरोना पॉजिटिव। जयपुर में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,160 हो गई है। जोधपुर की अगर बात करें तो 851, कोटा में 233, अजमेर में 207 और टोंक जिले में 136 ये संख्या। नागौर में 119, भरतपुर में 116, चित्तौड़गढ़ में 126 और राजस्थान में कोरोना से अभी तक 103 लोगों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा राजस्थान में 2021 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए, जो कि एक राहत की बात है। इसके अलावा 1,771 कोरोना के मरीजों को ठीक होने के बाद उनके घरों के लिए डिस्चार्ज भी किया गया। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 1,512 एक्टिव केसेस हैं। लगातार प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज भी 57 केसेस अभी तक सामने आ गए हैं। हालांकि 0.5% जो इसका है, उनमें से जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो ठीक होकर रिकवर कर चुकी है इस वायरस के प्रकोप से। राजधानी जयपुर सबसे ज्यादा प्रभावित, उसके बाद में जोधपुर, जैसलमेर, नागौर में क्रमशः यहां से कोरोना के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। 2021 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक भी हुए। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए कोटा से वन संवाददाता योगेंद्र महावर मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, मैं जानना चाहूंगी कोटा की फिलहाल क्या तस्वीर। जैसे मैं आपको बता दूंगा, लगातार कोटा से कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं और ऐसे में लगातार कोरोना कोटा के अधिकतर जगहों पर अपने पैर पसार चुका है। कोटा में 18 थाने हैं, जिसमें से तकरीबन 13 थाना इलाकों में कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। और आज सुबह बकरा मंडी से भी एक महिला कोरोना पॉजिटिव सामने आई थी। तो टोटल अभी तक कोटा से 233 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं और इनमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय यदि जरूर जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए बना हुआ है, लेकिन इसका डटकर मुकाबला भी किया जा रहा है। और इसमें कई हद तक राहत की बात यह भी आई है कि 100 से अधिक जो कोरोना पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो चुके हैं और इनमें से आधे से ज्यादाओं को डिस्चार्ज कर दिया गया, उनको उनके घर भेज दिया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी लगातार जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के तमाम बड़े अधिकारी और पुलिसकर्मी लगातार लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। योगेंद्र, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि लॉकडाउन 3 का 6 दिन है, तो क्या कहा जा सकता है कि कितना कारगर ये सिद्ध हो रहा है? सारी सीमाएं पूरे प्रदेश भर की यहाँ पर सील कर दी गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना तो पुलिस करवा ही रही है, इसके तर जो कोटा में छात्र पढ़ते थे उनकी रवानगी के लिए क्या यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं? बिल्कुल जयती, जिस तरह से लॉकडाउन 3 की शुरुआत हो चुकी है और आज 6 दिन है, तो कोटा में लॉकडाउन की स्थिति फिलहाल वैसी नहीं थी जैसे पहले थी, क्योंकि आधे से ज्यादा इलाकों में कर्फ्यू लगा हुआ था और वहां पर कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है। कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील दी गई है और वहां पर कुछ दुकानों को ही, यहाँ पे चुनिंदा दुकानों को ही यहाँ पे खोलने की इजाजत दी गई है, जिसमें फल फ्रूट की दुकान है, सब्जी की दुकान हो या फिर किराने की दुकान हो, डेयरी की दुकान। तो जो कर्फ्यू के इलाके हैं वहां पर कोई भी दुकान खोलने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है और जो जिला प्रशासन की ओर से लगातार यहाँ पे मुस्तैदी बरती जा रही है। और जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, बिहार के जो यहाँ पे 8 से 12 हजार कोचिंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी लगातार यहाँ से घर वापसी कराई जा रही है। हालांकि हमारे पास अपडेट अभी ये आया है कि आज कुछ रेलवे में टेक्निक समस्या की वजह से आज किसी ट्रेन को रवाना नहीं किया गया है, लेकिन लगातार 4 तारीख से लेके और 8 तारीख तक सुबह शाम ट्रेनों को रवाना किया गया है यहाँ से। और अब तक 8 हजार के आसपास यहाँ से स्टूडेंट्स बिहार के जा चुके हैं। लेकिन हमसे, हमारी कुछ बिहार के स्टूडेंट्स से भी हमारी फोन पर भी बात हुई, तो उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने हमारे लिए कोटा से व्यवस्था जरूर की है, लेकिन जब कोटा से ट्रेन रवाना हुई और बिहार तक पहुंची तो उस दौरान ना तो उनको कोई पानी की व्यवस्था मिली, न खाने की व्यवस्था मिली। अपने परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने अपनी पूरी आपबीती बताई है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इन बिहार के स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं उनके लिए आगे भी सोचना बेहद जरूरी है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कोरोना संक्रमित ना हो लेकिन किसी और वजह से अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो इसमें कोटा को कलंकित करने वाला मामला सामने आ सकता है। जी जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद योगेंद्र।
पूरे प्रदेश में यहां पर कोरोना के संक्रमित मरीजों के आंकड़े में लगातार इजाफा, 103 लोगों की मौत हो गई है प्रदेश में कोरोना के चलते। 2021 लोगों का वो आंकड़ा बताया जा रहा है जो कि इस संक्रमण से उबर चुका है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए दौसा की सिकराय से वन संवाददाता राजेश शर्मा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या स्थिति है फिलहाल वहां की? देखिए मैडम, महिला है जो अब सिकराय विधानसभा से तालाको गांव से है जी, और ये महिला 17 अप्रैल को दौसा में डॉक्टर सारिका गोठवाल है उनको दिखाने की गर्भवती है महिला जी। यहाँ से ये भी 6 तारीख को बांदीकुई कट्टा हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गई थी। यहाँ से इसको रेफर किया गया, तो ये यहाँ से एम्बुलेंस की सहायता से जयपुर JNU हॉस्पिटल में गई है जहाँ पर इसका सैंपल लिया गया है जी। और वहाँ पे इसका सैंपल लिया गया तो वहाँ पॉजिटिव पाई गई है। अब यहाँ मौके पर मेडिकल टीम और आला अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंच चुके हैं और करीब 40 लोगों की इसकी संपर्क हिस्ट्री बनाई गई है जी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद राजेश। पूरे प्रदेश भर से कोरोना की लेटेस्ट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 57 कोरोना के पॉजिटिव मरीज आज भी प्रदेश भर से सामने आए। राजधानी जयपुर सबसे ज्यादा संक्रमित और प्रभावित, पूरे प्रदेश भर से 31 जिलों में पैर पसार चुका है कोरोना। अभी तक 103 लोगों की मौत भी हुई है, दुख की बात है, लेकिन राहत की बात इन सभी के बीच में ये है कि 2021 लोग इस कोरोना के संकट से उबर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, जिसमें से 1771 वो संख्या बताई जा रही है जो कि डिस्चार्ज होकर अपने घरों के लिए जा चुकी है। फिलहाल 1531 एक्टिव केसेस। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए अजमेर से वन संवाददाता नितिन मेहरा मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नितिन, आपसे जानना चाहूंगी अभी अजमेर की फिलहाल क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अजमेर की तस्वीर है वो काफी खतरनाक वह होती जा रही है, क्योंकि दिन पर दिन जो आंकड़े हैं वो काफी संख्या में बढ़ते हुए सामने नजर आ रहे हैं। आज सुबह की जो 9 बजे वाली रिपोर्ट थी उसमें भी करीबन 11 मामले सामने आए थे, वहीं अभी एक मामले की पुष्टि और हो रही है, तो भाई 12 मामले बढ़ जाएंगे, जिससे मामले होकर 208 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 ब्यावर और एक आपके और भी ग्रामीण क्षेत्र का है, वहीं अजमेर शहर के भी इसमें लगभग बढ़ते हुए मामले हैं। वहीं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि जो अजमेर का सैटेलाइट हॉस्पिटल है वो हॉटस्पॉट बन चुका है। 4 महिलाएं, गर्भवती महिला जो है, उनकी आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और जो कल 2 महिलाएं थी उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद वहां पर स्क्रीनिंग तेज कर दी गई है और पूरे एरिया को स्विच करके उधर पड़ताल की जा रही है। जी जी, नितिन एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जनता किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन को सहयोग कर रही है लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लॉकडाउन 3 का 6ठा दिन है, तो किस प्रकार से वहाँ स्थिति देखने को मिल रही है फिलहाल? जी बिल्कुल सही कहा आपने, जो जनता है उसका सपोर्ट बाखूबी पूरा है, क्योंकि अगर जनता का सपोर्ट नहीं होता तो अजमेर के आंकड़े कुछ और हो सकते थे। लेकिन अजमेर की जो पुलिस है और जो प्रशासन है उसने पूरी तरीके से मुस्तैदी कर रखी है और जो लॉकडाउन के नियम है उनको पूरी तरीके से पालना की जा रही है। वही अगर बात करें लोगों के बाहर निकलने की, तो अति आवश्यक होने पर ही लोग बाहर आ रहे हैं। जहाँ पर हॉटस्पॉट वाला एरिया था वो बिल्कुल शांत कर रखा है, क्योंकि अजमेर के जो 4 थाने हैं वो कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर है। कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर किसी भी तरह की आवाजाही नहीं है, जिस कारण से पूरी जो रोकथाम है वो पूरी कंट्रोल में है। हालांकि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसके पीछे प्रशासनिक कारणों का पता लगा रहा है और चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नितिन। पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर कोरोना का संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये स्थिति स्पष्ट कर दी गई कि आने वाले समय के लिए जनता को और ज्यादा पेशेंस रखने की जरूरत है और ज्यादा यहाँ पर प्रतिबद्ध होने की जरूरत है इस संक्रमण की स्थिति से उबरने के लिए, क्योंकि जो जून और जुलाई का महीना बताया जा रहा है उसे पीक समय बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केसेस में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और सोशल डिस्टेंसिंग ही फिलहाल एकमात्र वो कारगर उपाय है जिसकी वजह से और जिसके चलते हम इस संक्रमण की स्थिति से उबर सकते हैं।